भारत सरकार लगातार ऐसे उपायों पर जोर दे रही है जिससे स्वच्छ और वैकल्पिक ईंधन से देश की मांग और जरूरत को पूरा किया जा सके। इनमें से एक समाधान है मेथेनॉल से स्वच्छ और ज्यादा ज्वलनशील ईंधन का निर्माण। पुणे स्थित वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में हाल ही में देश के पहले डीएमई प्राथमिक संयंत्र की स्थापना की गई है, जहां डाइमेथाइल ईथर यानी डीएमई का उत्पादन किया जा रहा है, जो कि डीजल का विकल्प बन सकता है। डाइमेथाइल ईथर प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ मेथेनॉल इज अ क्लीन एंड एफिशिएंट फ्यूल। सीएसआईआर एनसीएल हैज डेवलप्ड अ पेटेंटेड कैटलिस्ट एंड प्रोसेस for the manufacture of DME from methanol under the catalysis mission program of CSIR. राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिकों ने मेथेनॉल निर्जलीकरण द्वारा DME बनाने की स्वदेशी प्रक्रिया विकसित की है। इनके लिए खास तौर से तैयार रिएक्टरों में फसल अवशेषों और बायोडिग्रेडेबल उत्पादों द्वारा मेथेनॉल लेकर उसकी नमी को खत्म कर डाइमेथाइल ईथर बनाया जाता है। ये अपनी तरह का पहला प्राथमिक संयंत्र है जिसे भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सतत विकास के उत्प्रेरक के तौर पर स्थापित किया गया है। Since is a NCL is a catalysis department, so just we have pioneered with all catalysts. We made a catalyst, we patented two catalysts, different kind of catalysts for this work, and followed by the reactor design which remove water as well as unreacted methanol to give the equilibrium, to push the equilibrium 100%. So we are making the catalyst, using the catalyst to produce the DME, how to use the process also patented, the reactor design also patented. So we are fully covered this project. DME को अभी डीजल में 40% तक और LPG में 20% तक मिलाया जा रहा है, जिसका उज्ज्वला जैसी जन योजनाओं में उपयोग हो रहा है। इस संयंत्र को छोटे रूप में समुद्री जहाजों पर भी लगाया जा सकता है, जिससे सागरमाला जैसे कार्यक्रम के तहत कम लागत में परिवहन को बल मिलेगा। इस ईंधन से न सिर्फ पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा, बल्कि ईंधन का बेहतर विकल्प होने के चलते ईंधन के आयात का दबाव भी कम होगा।